मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम जो भी उस बैंक को लूटेगा सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी मैया। कैसे शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी, किस डर से सुभाष घई ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट। जब से खलनायक के सीक्वल की बात सामने आई है तब से माधुरी और संजय फिर से लाइमलाइट में आ चुके हैं, पर ये फिल्म की वजह नहीं है, इनके प्यार की वजह। जी हाँ, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की लव स्टोरी खूब सुर्खियों में रही। दोनों 90 के दशक में कई फिल्मों के साथ नजर आए। 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा है। संजय दत्त भी हमेशा से ही अपनी फिल्म में ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते थे। वैसे तो संजू बाबा की लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई और गई हैं, मगर माधुरी दीक्षित की बात कुछ और ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म थानेदार की शूटिंग दौरान हुई थी। उसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके। इतना ही नहीं, एक बार संजय दत्त ने ये तक कह दिया था कि अगर उन्हें किसी एक्ट्रेस से शादी करनी हुई तो वो माधुरी दीक्षित से ही पक्का करेंगे। वहीं संजय और माधुरी ने फिल्म खलनायक में भी काम किया। भले ही फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ माधुरी की जोड़ी थी, लेकिन एक्ट्रेस का दिल संजय दत्त के लिए ही धड़क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों दोनों की शादी की खबरें खूब सुर्खियों। ऐसे में खलनायक के डायरेक्टर सुभाष घई को डर सताने लगा कि कहीं इन खबरों से फिल्म को नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से सुभाष घई ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो दोनों इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर लेते तब तक वो कोई भी शादी की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। दरअसल डायरेक्टर को डर सता रहा था अगर माधुरी और संजय की शादी हो गई तो लोगों का ध्यान ही हट जाएगा फिल्म से। लेकिन संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। ये सब जानने के बाद भी संजय माधुरी दत्त को बेहद प्यार करते थे। जब इस बात का पता माधुरी के परिवार को लगा तो वो उस रिश्ते के बेहद खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने परिवार से बगावत करने को भी तैयार थे। लेकिन ये कहानी पूरी होनी ही नहीं थी, मतलब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इस ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया था। संजय दत्त सलाखों के पीछे पहुंच गए और इस घटना के बाद खुद ही माधुरी ने संजय से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कहा जाता है जब संजय ने जेल से माधुरी को कॉल किया था माधुरी ने अपना फोन ही पटक दिया। संजय दत्त ने माधुरी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संजय उस वक्त देश में खलनायक बन चुके। ऐसे में माधुरी ने संजय से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और हमेशा के लिए खत्म, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा आगे बढ़े। खैर, उन्हें हाल ही में साथ काम करते हुए देखा गया है। यहाँ बात कर रहे हैं हम फिल्म कलंक, पर इस फिल्म में दोनों के साथ की स्क्रीन टाइमिंग काफी ज्यादा कम है। इस वजह से फैंस काफी एक्साइटेड है खलनायक के सीक्वल को लेकर, क्योंकि इस बार दोनों एक साथ नजर आएंगे। तो बस यही उम्मीद है फिल्म जल्द से जल्द फिल्म सिनेमाघरों में। तो चलिए फिर इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड। उम्मीद है हम आपको ये एंटरटेन कर पाए होंगे और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आज की ये हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अमीशा राज ने। धन्यवाद।